हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डोमिनेंट। मैं बबीता सिंह और आज आपके लिए लेकर आई हूँ समथिंग कूल, समथिंग स्पेशल। एक्चुअली आज हम बात करेंगे टीचर डे के बारे में और जानेंगे कि आप अपना टीचर डे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, वर्चुअली या फिर ऑनलाइन। एक्चुअली जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है और इस टाइम फ्रेम में पूरे स्कूल बंद हैं, पूरे कॉलेजेस बंद हैं, कहीं हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस टाइम पर आखिर ये टीचर डे हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो इसका एक ही तरीका है कि आपका टीचर डे वर्चुअली सेलिब्रेट किया जाए। और वर्चुअली सेलिब्रेट करने के लिए मेरे माइंड में कुछ आइडियाज थे, कुछ थॉट थे, क्योंकि मेरे खुद के दो बच्चे हैं, उनको लेकर मेरे माइंड में आइडियाज आए थे। तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ ही वो आइडियाज शेयर किए जाएं, क्योंकि आपको भी उनकी जरूर 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 जरूरत पड़ रही होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना ये जान लिया जाए आखिर ये टीचर डे मनाते क्यों हैं। तो जैसा आपको पता होगा, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तब हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट थे, यानी सेकंड टाइम जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो वो सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने थे। उनका जो बर्थडे डेट है वो है 5 सितंबर। एक्चुअली वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े एजुकेटर थे। उन्होंने बहुत एजुकेशन के मामले में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और हम अपने टीचर हैं जितने भी हैं उनको उन्हीं का स्वरूप मानकर उनको ग्रेटिट्यूड देते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। और उन्हीं का जो बर्थडे डेट है उसको ही टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन इंटरनेशनली जो टीचर डे है वो 5 सितंबर को नहीं बल्कि 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 5 अक्टूबर को यूनेस्को और आईएनओ दो ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दी थी टीचर स्टेटस को 1966 में, और उस दिन को वो टीचर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को, नॉट 5 सितंबर। ओके, तो ये तो था टीचर डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अब पढ़ते हैं आइडियाज के बारे में कि आप कैसे अपना टीचर डे सेलिब्रेट कर सकते हैं वर्चुअली। तो इसके लिए जो पहला आइडिया है वो है आप एक कार्ड बनाएं, एक टीचर डे थैंक यू कार्ड बनाएं और उस कार्ड में एक पोयम लिखें जिसे कहते हैं एग्जॉटिक फॉर्म ऑफ पोयम। एग्जॉटिक फॉर्म क्या होती है कि उसमें आप अपने जो पर्टिकुलर टीचर है जिसके लिए कार्ड बना रहे हैं उन टीचर का पहले जो अल्फा नाम के जो अल्फाबेट हैं उनके अल्फाबेट को वर्टिकली लिखें और उसको एडजेक्टिव के रूप में आगे कन्वर्ट कर दें। जैसे मेरा नाम बबीता है तो मैं अगर मेरे नाम को अगर आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप एग्जॉटिक फॉर्म करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जैसे बबीता यानी BABITA, बी मतलब ब्रिलियंट या ब्रेव, कुछ भी आप कुछ भी जो मेरे माइंड में इस समय आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। आप कुछ भी देकर अच्छी सी फॉर्म लिख सकते हैं, जैसे बी मतलब ब्रिलियंट, ए मतलब एडमायरेबल, बी मतलब ब्रेव, आई मतलब इन्फ्लुएंसर, टी मतलब थॉटफुल, ए मतलब एक्टिव एक्शनेबल, कुछ भी इस तरह से आप अपने टीचर के नाम को उनके अल्फाबेट के अक्षर के हिसाब से एडजेक्टिव में कन्वर्ट करें। ये एक एग्जॉटिक फॉर्म ऑफ पोएम हो सकती है। इसमें आप उस एग्जेक्टिव को पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एक लाइन के रूप में या फिर खाली एडजेक्टिव लिखकर छोड़ दीजिए, तो वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो आप वो कार्ड पर्टिकुलरली जैसे कार्ड आप उस कार्ड की फोटो स्नैप कीजिए, फोटो कीजिए और बाय मेल या फिर सोशल मीडिया पर उसको आप अपने टीचर के साथ
शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा ये आइडिया। जो सेकंड आइडिया है उसमें आप जो एक कार्ड बनाइए, एक कार्ड थैंक यू कार्ड लिखिए, उसमें जो आपके मन में जो अपने टीचर को लेकर जो थॉट है आपके मन में, उस थॉट को लिखिए, प्रॉपर थॉट को, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 10 लाइन जितना भी जैसा भी आपके माइंड में थॉट है वो लिखिए उस थॉट पे कार्ड पे, और उसकी पिक्चर क्लिक कीजिए और उस पिक्चर को आप मेल के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आप अपने टीचर को सेंड कर सकते हैं और आपके टीचर को ये बहुत ही पसंद आएगा। जो थर्ड आइडिया है कि आप अपने दोस्तों से फोन पे बात करें, क्योंकि 5-6 दोस्त होते हैं स्कूल में, कम से कम एक फ्रेंड के 5-6 दोस्त स्कूल में आराम से होते हैं, तो अपने दोस्तों को बात करें और उसे कहें कि आप छोटी छोटी क्लिप्स अपने टीचर को थैंक यू बोलते हुए वीडियो बनाएं, छोटा छोटा 30 सेकेंड 1 मिनट का इतना बड़ा एक वीडियो बनाएं, तो सारे दोस्त आपके वीडियो बनाएंगे, ऐसा ही आप बनाएं और एक पर्टिकुलर बंदे को वो सारे वीडियो सेंड कर दें, जैसे कि आपके सारे दोस्त वो वीडियो जो थैंक यू वीडियो है वो आपको सेंड करेंगे और आप उन सारे वीडियो को कंपाइल करके एक थैंक यू वीडियो बनाएंगे, कंबाइंड वीडियो, जिसमें आपके 5-6 फ्रेंड अपने टीचर को थैंक यू बोल रहे हैं। कंपाइल कर दीजिए उस थैंक यू वीडियो को, अलग अलग थैंक यू वीडियो को एक थैंक यू वीडियो में, और उसे फिर आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं या फिर फेसबुक के थ्रू भेज सकते हैं, कई सारे रास्ते हैं भेजने के वर्चुअली, उसका उसके बहुत ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये आइडिया भी पसंद आया होगा। जो नेक्स्ट आइडिया है कि आप कोई भी जो पोयम है, आप एक पोयम लिखे अपने टीचर के ऊपर, हिंदी में या इंग्लिश में, एक प्रॉपर पोयम, जैसे नॉर्मल पोयम होती है वो थी एग्जॉटिक फॉर्म, यह है नॉर्मल पोयम लिखे अपने टीचर को माइंड में रख के, और उस पोयम को क्लिक करके आप मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने टीचर को भेजें। अब जो फाइनल तरीका है, जो मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, वो है वर्चुअल पार्टी। और वर्चुअल पार्टी क्या होती है कि आप अपने सारे दोस्तों को, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, उन सारे दोस्तों को फोन करके एक पर्टिकुलर टाइम सेट करें कि टीचर डे पर 10 से 11 बजे 12 से 1 बजे कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम सेट करें कि इस टाइम पर सारे के सारे फ्रेंड एक जगह पे मतलब अपने अपने घर पे मौजूद होंगे, ठीक है, और अपने टीचर से भी बात करें कि सर हम एक वर्चुअल पार्टी रख रहे हैं, आप उस टाइम पर हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है ना, अपने सारे टीचरों को, जिस जिस टीचरों को आप इनवाइट करना चाहते हैं उस वर्चुअल पार्टी में, उसको जुड़ेंगे और उस टाइम पर आप एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन की तरह एक अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे अच्छी ड्रेसें पहन सकते हैं, और जिस जिस फ्रेंड को जो जो परफॉर्म करना है, किसी को पोयम बोलनी है वो पोयम बोल सकता है, किसी को स्पीच बोलनी है वो स्पीच तैयार करेगा, जिसको गाना गाना है वो गाना तैयार करेगा, अलग अलग थॉट अपने आप आपस में डिसाइड कर लें पहले से ही उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में फंक्शन होता है तो पहले से ही डिसाइड होता है ना कि ये बंदा पोयम बोलेगा, ये स्पीच बोलेगा और ये ड्रामा करेगा, ये एक्टिंग करेगा, उसी हिसाब से वर्चुअल पार्टी के लिए भी आप प्रॉपर अपने फ्रेंड्स को सेट करें कि ये मेरा फ्रेंड पोयम बोलेगा, ये मेरा फ्रेंड गाना गाएगा और उसी टाइम ड्यूरेशन में गाएगा, ओपनिंग स्पीच और फिनिशिंग स्पीच दोनों स्पीच कौन बोलेगा, और ये भी सारा सेट होना चाहिए कि कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा, ठीक है। और इस पार्टी को आप ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं गूगल हैंगआउट के थ्रू या मीटअप के थ्रू, जूम पार्टी के थ्रू, या फिर आप गूगल जो गूगल के थ्रू भी आप गूगल वीडियो बनाते हैं, गूगल हैंगआउट गूगल मीटिंग के थ्रू भी आप इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो मेरे आइडियाज़ हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे,
जो लास्ट आइडिया है वो मेरा फेवरेट आइडिया है, या एक प्रॉपर एक पार्टी करें, सारे लोग मिलकर आपस में बात करें उस टाइम पर, ठीक है। और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको और आप इजीली कर पाएंगे उसे। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर आगे के वीडियो में फिर से मिलती हूँ आपको। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।